सिंगरौली के करवाही गांव में कांग्रेस नेता राजकुमार दीपांकर की गांव वालों ने जमकर पिटाई कर दी। नेताजी बीच सड़क पर गाड़ी खड़ी कर डांस कर रहे थे। ये विवाद सड़क से गाड़ी हटाने को लेकर हुआ। आरोप है कि शराब के नशे में चूर होकर कांग्रेस नेता राजकुमार दीपांकर एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। इसी बीच रास्ते में गांव के एक परिवार में तिलक का कार्यक्रम था। नेताजी गाड़ी रोककर बीच रास्ते में डांस करने लगे। इसी बीच समाज के लोगों ने गाड़ी हटाने का नेताजी से आग्रह किया, लेकिन नेताजी ने रौब झाड़ते हुए एक युवक को एक थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद गांव वालों ने मिलकर नेताजी की जमकर पिटाई कर दी। इस बीच किसी तरह उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने नेता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू कर दी है। हम रात जा रहे थे, उसके दरवाजे पे गया तो फ्लोरों पे बैठा था, फटका खोल के वो लोग जबरदस्ती चढ़े और मेरे कालक पे हाथ लगा, मेरा पैजामा कुर्ता फाड़ दिया, मारपीट के गए। मेरा हाथ फटके पे लगा, काफी चोट आई, लाठी लेकर आए थे और वो तो तीन चार लोगों को मारे, एक रतनलाल साकेत को भी मारे। मारपीट तो उसमें 11 लोग थे। सरकार के न शराब लिया था, न उन तेलियों से मेरी कोई जान पहचान थी, न मैं उनको जानता। उनका ये आदत में है कि कोई दूसरे बरात, दूसरे गांव वाला व्यक्ति जाता है तो उसको मारपीट ही करते हैं। ऐसे कई घटना है, जिसने मारपीट किया इसके पहले उन्हें चोरी का अपराध उसके ऊपर कायम है, चंद्रवली साहू नाम करके है, उसके ऊपर साहू के ऊपर मुकदमा कायम है चोरी का, अपने परिवार की चुराया। PI उसकी जाँच कर रहे हैं। इस पूरी घटना में चौकी प्रभारी अभिमन्यु द्विवेदी ने बताया कि राजकुमार नेता एक बारात में शामिल होने जा रहे थे और DJ पर गाना दूसरा लगाने के चक्कर में विवाद हुआ। शिकायत के आधार पर युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यहां करवाही ग्राम में बारात आई थी साकेत परिवार में, वहीं तिलकोत्सव का कार्यक्रम था सत्यनारायण साहू के यहाँ, तो DJ चलाने का विवाद हुआ था दोनों पक्षों में, उसमें मारपीट हुई है, मुकदमा कायम कर लिया गया है, जांच में है, कार्यवाही की जाएगी। हाँ, DJ में गाना बजाने को लेके वहीं पे DJ निकला, उसके बाद दोनों ग्रुप आपस में भिड़ गए, गाना बजाने का विवाद था, जिसमें राजकुमार दीपांकर पुरैल के हैं, उनको चोट आई थी, वो आए थे, उनकी तरफ से मुकदमा कायम कर लिया गया है, जांच की जाएगी। ऐसे में अब देखना होगा कि पुलिस मामले की जांच के बाद क्या कार्रवाई करेगी। सिंगरौली से अनिल सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।